की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर आज आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी। बीजेपी ऑफिस के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। झुग्गियों को तोड़ने के आदेश के विरोध में यह प्रदर्शन होगा। बीजेपी ने जहां झुग्गी वहां मकान का वादा किया था, आम आदमी पार्टी ने यह वादा याद दिलाया, दिल्ली की झुग्गियों को टूटने नहीं देंगे। तो झुग्गियों के तोड़ने के विरोध में आज आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरेगी, प्रदर्शन करेगी। बीजेपी ऑफिस के बाहर ये प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रही है, क्योंकि पिछले महीने हुए एमसीडी चुनाव के दौरान बीजेपी ने वादा किया था, जहां झुग्गी वहां मकान का वादा यहां पर किया था। और ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलराम, वादे यहां पर बीजेपी ने किए थे कि जहां झुग्गी वहां मकान, और देखिए अब वो वादा पूरा हुआ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और इसी मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी आज प्रदर्शन करेगी। बिल्कुल, देखिए एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि जिन झुग्गी वासियों की जहां झुग्गी है वहीं पर उन्हें मकान दिया जाएगा, और इस वादे को चुनाव के बाद पूरा ना होता देख, बल्कि डीडीए ने नोटिस जारी करके झुग्गी वासियों को शिफ्ट करने की बात कही है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू कैंप, नवजीवन कैंप में जो झुग्गी वासी रह रहे हैं उन्हें नरेला शिफ्ट करने की बात कही गई। और यही वजह है कि अब आम आदमी पार्टी इस वादे को याद दिलाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करेगी और बताएगी कि जो वादा किया है वो पूरा किया जाए, और जहाँ झुग्गी वहीं मकान। जब तक झुग्गी वासियों को नहीं मिल जाता है तब तक झुग्गी वासी अपनी झुग्गी खाली नहीं करेंगे। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से दिल्ली प्रशासन ने यहां पर तैयारी कर रखी है। आप देख सकते हैं भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर तैनात हैं, साथ ही अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है, ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं वो बीजेपी मुख्यालय तक ना पहुंच पाए, उन्हें यहीं पर रोका जाए, क्योंकि इसके आगे भी एक बैरिकेटिंग लगा करके वहां पर भी दिल्ली पुलिस के जवान और अर्धसैनिक बल तैनात हैं। 3 लेयर की सुरक्षा तैनात की गई है ताकि प्रदर्शनकारियों को हर हाल में रोका जा सके, और उसको लेकर के दिल्ली पुलिस ने पूरी प्लानिंग तैयार कर रखी है, और उस प्लानिंग की तस्वीरें भी आपको देखने को मिल रही हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ऐलान किया है कि वो बीजेपी मुख्यालय पर जा करके प्रदर्शन करेंगे और मांग करेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने एमसीडी चुनाव में दिल्ली की जनता से वादा किया था कि जहां झुग्गी वहां मकान देंगे, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उसके बाद वो अपने वादे से मुकर गए, और आज स्थिति ये है कि झुग्गी वासियों को हटाया जा रहा है, उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। तो आम आदमी पार्टी का दावा है कि हम किसी भी झुग्गी पर बुलडोजर चलने नहीं देंगे, अगर बुलडोजर की कार्रवाई होगी तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक सड़कों पर उतरकर इस कार्रवाई का विरोध करेंगे, और शायद यही वजह है कि आज आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन करके भारतीय जनता पार्टी को ये चेतावनी दे रही है कि अगर बुलडोजर की कार्रवाई झुग्गियों पर की गई तो आम आदमी पार्टी उस कार्रवाई को होने नहीं देगी, और उसकी तस्वीर आज देखने को मिल जाएगी। जी बिल्कुल बलराम, बड़ी चुनौती यहां पर बनी हुई होगी प्रशासन के लिए, खासकर सुरक्षा की अगर बात करें तो आप तमाम तैयारियां हमें दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी का रुख जो नजर आ रहा है, आम आदमी पार्टी ये साफ कह रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम बुलडोजर नहीं चलने देंगे, प्रशासन की तैयारी एक बार बताइए। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता आज बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करने का ऐलान कर चुके हैं। यही वजह है कि जो दिल्ली पुलिस है वो यहां पर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं, साथ ही अर्धसैनिक बल के जवान तैनात हैं, और ठीक सामने आप देख सकते हैं कि जो वाटर कैनन की गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पर मंगाई गई हैं, साथ ही कुछ बसें यहां पर मंगाई गई हैं कि अगर प्रदर्शन उग्र होता है तो जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें हिरासत में लिया जाए, उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का प्रयोग किया जाए। तो यानी पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी की गई है कि जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें यहीं पर रोका जाए, इससे आगे ना जाने दिया जाए। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर
बैरिकेटिंग लगाई जा रही है ताकि इससे आगे प्रदर्शनकारियों को ना जाने दिया जाए और कुछ ही देर में ये जो रूट है ये डायवर्ट कर दिया जाएगा और दोनों तरफ की जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से बंद कर दी जाएंगी और यहाँ पर भारी संख्या में आपको दिल्ली पुलिस के जवान और अर्धसैनिक बलों के जवान नजर आएंगे, क्योंकि जो प्रदर्शन है वो काफ़ी बड़ा होने वाला है ऐसा ऐलान आम आदमी पार्टी के नेताओं ने किया है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है और जगह जगह पर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात है ताकि अगर प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश करें तो उन्हें यहीं पर रोका जाए और इसको लेकर के प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। और ख़ास तौर से अगर हम दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस ने 3 लेयर की सुरक्षा तैयार की है। पहले लेयर की सुरक्षा हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से तैयारी की गई है। पुलिस की पूरी कोशिश होगी कि प्रदर्शनकारियों को यहीं पर रोका जाए, अगर किसी तरह से प्रदर्शनकारी कामयाब हो जाते हैं आगे बढ़ने में तो उन्हें दूसरी जगह रोका जाए। ऐसे 3 बैरिकेटिंग लगाए गए हैं जहां पर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश दिल्ली पुलिस के द्वारा की जाएगी और यह भी कहा गया है कि अगर प्रदर्शन उग्र होता है तो दिल्ली पुलिस कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी। ये चेतावनी दिल्ली पुलिस की तरफ से पहले ही प्रदर्शनकारियों को दे दी गई है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जो प्रदर्शनकारी हैं वो बीजेपी मुख्यालय तक पहुंचने में कामयाब होते हैं या फिर दिल्ली पुलिस उन्हें रोकने में कामयाब होती है। जी बलराम, पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि हम दिल्ली में लगातार प्रदर्शनों का दौर चल रहा है, चाहे बीजेपी हो आम आदमी पार्टी हो, प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं। एमसीडी सदन में हंगामे को लेकर प्रदर्शन हुआ और आज देखिए अब आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर झुग्गी तोड़ने को लेकर जो है अब आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर आई है और ये प्रदर्शन की खबर ये आ रही है। लेकिन इन प्रदर्शनों से आम जनता को परेशानी होती है क्योंकि आप बता रहे देखिए रूट डायवर्ट किया जाएगा, आम लोगों को परेशानी होगी, आने जाने में दिक्कतें होंगी। बिल्कुल, देखिए ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने का रास्ता है और इस पर जो ट्रैफिक है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है इस रोड पर और यही वजह है कि जब ये रूट पूरी तरह से बंद होगा, रूट डाइवर्ट होगा, तो कहीं ना कहीं आम जनता को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन की बात कही गई है उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, आम जनता को कोई दिक्कत ना हो इसको लेकर के उन्होंने रूट डाइवर्ट किया है ताकि लोग दूसरे रास्ते से रेलवे स्टेशन पहुंच सके, क्योंकि यहां पर प्रदर्शन बड़ा होगा तो कई घंटे जाम लग सकता है। लिहाजा जो रूट है उसको डाइवर्ट किया गया है, एक प्लानिंग तैयार की गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा ताकि जो रूट है वो भी डाइवर्ट रहे, आम जनता को कोई परेशानी ना हो और जो प्रदर्शनकारी हैं उनका प्रदर्शन भी यहाँ पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस पूरी तरह से आपको मुस्तैद नज़र आ रही होगी। भारी संख्या में जो अर्धसैनिक बल हैं उनको भी तैनात किया गया है ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं उनको यहीं पर रोका जा सके और इसको लेकर के पूरी तैयारी की गई है। और आप देख सकते हैं कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो भी धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, बसों से जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं और ठीक सामने आप देख सकते हैं ये आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है और इसके बाहर आप देखिए धीरे धीरे भीड़ जमा होनी शुरू हो गई है क्योंकि ये प्रदर्शनकारी हैं और कुछ ही देर में जो प्रदर्शन है वो शुरू होने वाला है। और ठीक मेरे दाईं तरफ आप देख सकते हैं कि वो बीजेपी मुख्यालय है और वहाँ न जाने देने के लिए आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने किस तरीके से सुरक्षा कवच तैयार कर रखा है, भारी संख्या में अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है, दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया है, वाटर कैनन की गाड़ियां खड़ी की हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर वाटर कैनन का भी प्रयोग किया जाए और दिल्ली पुलिस के जवान जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें रोकने में कामयाब हों, इस तरीके की रणनीति दिल्ली पुलिस के द्वारा तैयार की गई है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिरकार ये प्रदर्शन कब तक चलता है, कितने बैरिकेड को जो प्रदर्शनकारी हैं वो तोड़ने में कामयाब होते हैं। लेकिन अगर हम दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, ड्रोन कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि ऊपर से भी निगरानी रखी जाए और साथ ही दिल्ली पुलिस पूरे प्रदर्शन का वीडियो क्लिप बनवाती है ताकि अगर कोई उग्र प्रदर्शन करता है तो वो कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो सके। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। अब देखने वाली बात यह होती है कि आम आदमी पार्टी किस तरह से प्रदर्शन करती है।
बिल्कुल बलराम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने की। तो आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन थोड़ी ही देर में शुरू होगा और झुग्गी वासियों को लेकर जो आम आदमी पार्टी सड़कों पर आज उतर रही है और बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी, ये साफ कहा गया है कि हम झुग्गी नहीं तोड़ने देंगे।